आज शेरगढ़ में चंद्रशेखर आजाद आए हैं जनसभा करने के लिए, उन्होंने दलित उत्पीड़न के जो मामले उठाए उसके बारे में आप बताओ क्या है। देखो, दलित उत्पीड़न के मामले उठाए नहीं, मामले हुए, ये हकीकत घटना है। इन लोगों को डायरेक्ट अगर कोई मर्डर करता है तो 302 लगती है, लेकिन जो पिछली लंबी समय से एक्सीडेंट के नाम से मर्डर जो हुए वो सारी की सारी फाइलें अभी पुलिस और राजनीतिक सत्ता की ताकत की वजह से वो दबी हुई है। यदि हम लोगों को कभी सरकार बनाने का यदि मौका मिलेगा तो जितने जो मामले राजस्थान में है, चाहे वो दलित मर्डर को लेकर के है, महिलाओं को उत्पीड़ित को लेकर के है, जितने जो मामले हम लोग सारी की सारी फाइलें हम लोग रीफाइल करवाएंगे। लेकिन अगर हमें सत्ता मिलता है और जनता हमें मौका देती है तो, और इस बार राजस्थान में हमें भरोसा है कि हमारी RLP और ASP की पार्टी गठबंधन हुआ है और इनके बगैर सरकार राजस्थान में ना तो BJP की बनेगी ना कांग्रेस बनेगी, इतनी हमारी विश्व भरोसा है राजस्थान की जनता पे। जो शेरगढ़ में उभरते हुए दलित नेता थे उनके दो नाम लिए चंद्रशेखर आजाद ने। देखो, उभरते हुए नेता थे वो तो, ये तो हजारों सालों का इतिहास है। जब जब भी दलित समाज, भारत के मूल निवासियों का जब जब भी इतिहास उठाया गया, उनके पक्ष में बोले गए, तो ये तो शंभुग ऋषि से लेकर के लंबी लड़ाई है। तो जो लोग अधिकार की बात करेंगे उनके साथ तो ऐसा होता आया, हिस्ट्री में भी होता आया, लेकिन ये पीस से बाहर करते हैं। एक्सीडेंट से मर्डर करना, किसी आदमी को मारना, ये कोई बहादुरी नहीं है। अगर कोई बात है तो सामने से करनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया से करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के माध्यम से अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो कानूनी प्रक्रिया से लड़ना चाहिए, ना कि पीठ में से किसी को मारना, किसी के साथ धोखा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो अभी मेरा विशेष रूप से शेरगढ़ के युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि सो चंद्रशेखर को अगर आप मानते हो, अगर हम लोग किसी कार्यकर्ता छोटे मोटे को या मोहनलाल पुनाव को नहीं मानते कोई बात नहीं, अगर चंद्रशेखर को आप मानते हो और वास्तव में उनको आप आदर्श मानते हो, तो चंद्रशेखर ने जो अपील की वो अपील बोर्ड के माध्यम से आप लोग सत्ता पर काबिज हो और जोरा राम जी को जिताने की मैं ही अपील करता हूँ। जो अत्याचार होते हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद हर बार पहुँचते, आवाज भी उठाते हैं, बिल्कुल। तो वोटों के टाइम क्या है, वोटों के टाइम में इन लोगों को सोचना चाहिए। यही कहा चंद्रशेखर ने, भाई अगर कलम की ताकत आप हमारे हाथों में दोगे तो कलम से न्याय मिलेगा। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर साहब ही बाबा साहब ने कहा था, जिस समस्या का ताला खोला जाता, क्योंकि पिछली सरकार में पेपर लीक की जो बात कही चंद्रशेखर ने, वो भी बात युवाओं को सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ है। जो मामले उठाए जालौर का हो, पाली का हो, उनके बारे में भी कहा है उन्होंने प्रमुखता से उठाए थे मामले। चंद्रशेखर तो सारे उन्होंने उठाए, बद्री अपने हनुमान बेनीवाल साहब ने भी उठाए और चंद्रशेखर ने भी उठाए, तो ये दोनों संघर्ष करने वाले लोग आगे भी कोई मामला होगा तो वो उठाते रहेंगे। और सत्ता में अगर हम काबिज होते हैं तो ज़्यादातर जुल्म अन्याय अत्याचार जो होता है वो लोग करते जो सत्ता में बैठे, उनको जाति का घमंड है, पैसों का घमंड है, या वो भूमाफिया की तरह से वो लोग गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करना, उनके पास अन धन पैसे बहुत रहते हैं तो पैसों का दुरुपयोग करते हैं, और शासन प्रशासन बैठे हुए लोग भी उनकी बात को मानते हैं। तो ऐसे लोग अगर सरकार में आएंगे तो काम भी ऐसे लोगों का होगा।